This video is sponsored by KW Delhi 6. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डाइटिशियन रिचा वसीम। लगभग 12 साल से मैं न्यूट्रिशन की फील्ड में काम कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं पिंकिश फाउंडेशन को थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने इनिशिएटिव पिंक टॉक के साथ जुड़ने का और आप लोगों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट हाउ यू कैन रिड्यूस सेडेंटरी बिहेवियर व्हाइल यू आर वर्किंग एट होम। सो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स कंपाइल किए हैं जो मैं आपको अभी शेयर करूंगी आप लोगों के सामने। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कीप योरसेल्फ एक्टिव व्हाइल यू आर वर्किंग एट होम। सो उसके लिए आपको क्या करना है, जिस जगह पे बैठ के आप लोग काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा देर तक उस जगह पे आपको नहीं बैठना है। आपको शॉर्ट एक्टिव ब्रेक लेने हैं और आप लोग जो है ऑन द स्पॉट कुछ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। आप ऑन द स्पॉट मार्च पास कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट जंपिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप कॉल पे बात कर रहे हैं तो आप जो है गार्डन में जाके भी अपना वॉक करते करते भी बात कर सकते हैं। देन सेकंड पॉइंट है यू हैव टू क्रिएट अ वर्क स्टेशन फॉर योरसेल्फ। डू नॉट सिट ऑन काउचेस और बेड। अगर आप काउचेस या बेड पे बैठ के काम करेंगे तो आपका पोस्चर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा और आप खुद ही देखेंगे कि आपको बैकएक का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको सर्वाइकल का इश्यू आ सकता है, आपको नेक पेन हो सकता है। तो आपको एक प्रॉपर टेबल चेयर लेना है और अपने पोस्चर को मेंटेन रखना है। आपको स्ट्रेट बैठ के काम करना है तो उससे आपको ये बैकएक की प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड पॉइंट हमारा आता है बी माइंडफुल व्हाइल चूजिंग योर फूड। अब कोविड की सिचुएशन में हम सब लोग इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा बात करते हैं। सो आपको इम्यूनिटी को अपनी बूस्ट रखना है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें डाइट में ऐड करनी है। सबसे पहले आपको विटामिन सी के फूड आइटम्स लेने हैं, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, ओमेगा 3 आपको ऐड करना है। प्रोटीन रिच आपके आइटम्स जो है वो हमारी दालें हो गई, सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया, या जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम लेते हैं तो वो लोग एग, चिकन एंड फिश को भी ऐड कर सकते हैं। विटामिन सी के लिए आप ऑरेंजेस ऐड करिए, आप मौसमी ले सकते हैं, आप लेमन वाटर ले सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है उसको प्लीज आप ऐड करें। उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है तो वो चीज़ें आप ऐड करें। ओमेगा 3 के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे नट्स ऐड करने हैं। आप वॉलनट ले सकते हैं, आप एलमंड ले सकते हो, आप पिस्ताचियो ले सकते हो, प्लस कुछ सीड्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है, जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, तो ये सीड्स भी आप ऐड करें। उसके साथ साथ हमारे किचन में बहुत सारे स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट एंड हर्ब्स अवेलेबल हैं जो कि फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है उसके अंदर, एंटीसेप्टिक होते हैं और वो आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट रखते हैं। इम्यूनिटी के साथ साथ वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो वो हमारी कौन कौन सी सीड्स एंड हर्ब्स हैं, सबसे पहले तुलसी, जिंजर, गार्लिक, अजवैन, मेथी दाना, हल्दी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सिनेमन, ये कुछ ऐसे हर्ब्स और स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं आपके लिए, तो प्लीज़ आप उसको भी रेगुलर ऐड करें। क्या आप अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी दुकान बुक कीजिए KW दिल्ली 6 में। Grab double bonanza offer. Offer valid till 31st July 2020. Hurry! अब next point आता है keep yourself well hydrated. That means आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आपकी body से toxins release होंगे और आपको बहुत benefit मिलेगा। So at least 12 to 15 glass of water आप daily लीजिए। वाटर जो है वो ना केवल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, वाटर हमारी मसल टोन को भी ठीक रखता है, हमारे न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शंस में हेल्प करता है और आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी टिश्यूज़ हैं उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वाटर की हमें बहुत ज़रूरत होती है। सो आप वाटर को लेमन वाटर की फॉर्म में ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हो, आप कोई डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं, आप बटर मिल्क ले सकते हो, आप कोई फ्रूट जूसेस ले सकते हो। सो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शंस हैं, तो ये चीज़ें आपको ऐड करनी है।
अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन। अब लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग ना तो जिम जा पा रहे हैं, ना हम लोग इतना अच्छा वॉक कर पा रहे हैं, बट आपको एक्टिव रहना है, बिकॉज अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे, आप कुछ एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आपका वेट अननेसेसरी पुट ऑन हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, आप योगा कर सकते हो, आप एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हो, आप जुम्बा कर सकते हो। एटलीस्ट 20-25 मिनट का टाइम पूरे दिन में ज़रूर निकालिए अपने लिए, और कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का। सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग सब फॉलो कर रहे हैं, बट मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, जब ज़रूरत हो तभी आप घर से बाहर निकलें, और हमेशा मास्क पहन के जाएं। और घर में भी आप हाइजीनिक लेवल को मेंटेन करें। कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन मंगवाते हैं तो आप उसको उस टाइम यूज़ ना करें, उसको एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए आप रख दीजिए, देन आप उसे यूज़ करें। और जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप मार्केट से लाते हैं उसको प्रॉपरली क्लीन करें, प्रॉपरली वॉश करें, तब आप उसे यूज़ करें। घर को भी अच्छे से सैनिटाइज करें, हैंड वॉश टाइम टू टाइम करते रहें, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब लास्ट पॉइंट हमारा आता है एडिक्यूएट स्लीप। ये लास्ट है बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज अगर आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा तो आप खुद ही बहुत इनएक्टिव फील करेंगे, लथार्जिक फील करेंगे, लेजी फील करेंगे। सो आप अपने स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा कम कर दीजिए और टाइम से आप स्लीप लीजिए। एटलीस्ट 7-8 आवर्स का स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप 7-8 आवर्स का स्लीप ज़रूर लें। उससे आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, आप खुद भी एक्टिव फील करेंगे। सो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने कंपाइल किए थे और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। आई होप आप ये सब पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे और अपनी डे टू डे लाइफ में इसको ऐड ऑन करेंगे, और आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गो एंड शेयर दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस एट 8010 9088888. Thank you.